जब आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ सर्च बार में क्रोम ब्राउजर ऐप के अंदर गूगल हट के बाय डिफॉल्ट याहू हो गया है, तो आप उसको कैसे हटा सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखते रहिए और सीखते रहिए, ओके ना जी। मुझे पता है कि आपके क्रोम ब्राउजर ऐप के अंदर जब से ये गूगल हट के yahoo.com हो गए हैं, कुछ भी चीजों को सर्च करते हैं लेकिन आपको अच्छा देखने में लग रहा है, उसका इंटरफेस आपको पसंद नहीं आ रहा है, बार बार ये लोगो इस तरीके का आपको पसंद नहीं आ रहा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके क्रोम ब्राउजर के अंदर कुछ ऐसे सेटिंग्स जो चेंज हो गए हैं जिसकी वजह से आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं। सिर्फ एक से दो क्लिक के अंदर इसको ऑप्शंस को हटा पाएंगे, यानी कि yahoo.com को, और उसको हटा करके वापस जैसे आपका गूगल क्रोम ब्राउजर था यानी कि google.com कर पाएंगे। उसके लिए आप अपने कंप्यूटर एंड लैपटॉप के अंदर क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन कीजिए। ओपन करने से पहले ये ध्यान में रखिएगा, अपने लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट कनेक्शन को कनेक्ट कर लीजिएगा। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप ऊपर साइड में देखिएगा, राइट साइड में आपको 3 डॉट मिलेंगे, आपको यहाँ पर माउस कर्सर लेके जाइए और लेफ्ट बटन से क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आइएगा, थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर माउस के कर्सर ले जाइए और लेफ्ट बटन से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको ढूंढना है सर्च इंजन, तो देखिए सर्च इंजन आपको यहाँ पे मिल गए हैं, तो आपके लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर हो सकते हैं, ऊपर नीचे होंगे, सर्च इंजन मिलेगा। जैसे यहाँ पर माउस का कर्सर ले जाइए, लेफ्ट बटन से क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आएंगे जिसमें से आपको देखिए ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे बॉक्स का माउस का कर्सर ले जाइए और यहाँ पर लेफ्ट बटन से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गूगल का जो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिएगा गूगल और ये गूगल आपको यहाँ पर दिखाने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस के जो आइकन्स दिख रहे हैं इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक बार जा करके रिफ्रेश करना है, मतलब माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कीजिएगा एक बार इस पर, तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कर्सर ले जाइए, यहाँ से एक विंडोज क्लोज कर दीजिए। क्लोज कर देने के बाद दोबारा क्रोम ब्राउजर के फिर से खोलिए। खोलने के बाद यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से आपका ये yahoo.com हट गया है और बाय डिफॉल्ट गूगल सेट हो गए हैं। और कभी भी आपके जब भी गूगल क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करेंगे अपने लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर, तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम होंगे तो बार बार ये वीडियो को देख करके सेम सेटिंग आप अप्लाई करेंगे, ये आपको yahoo.com हटके आपको बाय डिफॉल्ट गूगल क्रोम हो जाए। हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और सीख गए होंगे, तो इसलिए इस वीडियो का फीडबैक देना ना भूलिएगा, लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब के जरिए।